children, how are you all? I hope you got the introduction about the biological diversity. In the last topic, we have discussed. If you have not seen, see my last video, जिसमें हमने introduction दिया था कि what is biological diversity. So who was the scientist, children, who has given the term binomial nomenclature? Remember? So it was Carlos Linnaeus. So Carl Linnaeus or Carl von Linnaeus was a scientist who has given binomial. Binomial means, जब भी हम scientific name लिखते हैं तो we always write two words. One indicates genus, other indicates species. Last time we have also learned, children, कि how to give the hierarchy of classification starting from kingdom to species. Okay, let's quickly revise. पहला होता है kingdom. किंगडम ओके नेक्स्ट क्या होता है बोलो फाइलम दैट इज करेक्ट अब बाकी के बीच के तो मुझे तीनों याद ही नहीं है सो व्हाट वाज द ट्रिक लास्ट का मुझे याद है इट इज नोन एज जीनस एंड द लास्ट वाज स्पीशीज बीच के तीन तो मतलब आई ऑलवेज फॉरगेट सो व्हाट वाज द ट्रिक वाज कॉफ खांसी दैट इज कॉफ नाउअडेज इट इज वेरी कॉमन ड्यू टू कोरोना वायरस सो कॉफ इज दिस इज क्लास This is order and this is family. So this is known as the hierarchy of classification. ठीक ऐसे ही हमने हर species को classify किया है Fine. So we have taken 2-3 species in the last video. If you have not seen, please go through it. Link I have given in the description box. Okay. Now in this video, I'll talk about some more scientists and I'll also brief what is classification given by R.H. Whittaker. He is the scientist. अभी तक this is the classification which is going on. It is given by R.H. Whittaker. Five kingdom classification दिया था उन्होंने हालांकि अब थोड़ा six kingdom हो गया है but let's come to five kingdom. शुरू करते हैं Aristotle. Around 300 BC children 300 BC की बात है The first time when the Aristotle and the Theophrastus they thought of कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करें ठीक है सो एरिस्टोटल ने कहा कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर ऑन लैंड सम दे आर इन वाटर एंड अदर्स दे आर इन एटमोस्फियर ठीक है देखो एयर में क्या होते हैं सारे हमारे बैक्टीरिया वायरसेस दे ऑल आर इन एयर यस और नो फंगस के स्पोर सब तो एयर में होते हैं फिर सी या वॉटर में हम कहें तो इज अ बिग लाइफ बिग वराइटी डाइवर्स लाइफ इज प्रेजेंट इन वॉटर लैंड पे तो यू कैन इजिली सी नाउ कि लैंड You can easily find out. So he has given the classification according to land, according to sea, and according to air. Okay. Now, ये तो animals की बात की इन्होंने. Theophrastus ने plants की बात की. He talked about plants. इन्होंने कहा कि जो plants हैं, उसमें बहुत categories हैं. कुछ को मैं ऐसे देखना पड़ता है ऊपर. Some we can see on our level. Others we can see like this. या सुनो जिसे हम ऐसे देखते हैं वो क्या होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रीज ऊपर उठा के देखना पड़ता है सर ट्रीज तो इनका सम अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट ट्रीज लाइफ स्पैन अगर ट्रीज की बात करें तो लाइफ स्पैन ट्रीज का ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू श्रब्स तो ही हैज क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन जैसे हमारे हर्ब्स जो होते हैं बेसिकली वो वन ईयर वन एंड हाफ एन ईयर जैसे वेजिटेबल्स होती है बच्चों वो सीजनल होती है ना हर सीजन में वो आती है तो उनका लाइफ स्पैन कम होता है तो ही इज डिवाइडेड इन हर्ब्स श्रब्स ट्रीज जो आज तक क्लासिफिकेशन चल रहा है ठीक है उसके अलावा उन्होंने कहा कुछ अंडर श्रब्स है अंडर श्रब्स को आज हम क्या कहते हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स सो थ्रियोफेटर्स ही हैज डिवाइडेड प्लांट्स इन हर्ब श्रब्स ट्रीज एंड अंडर नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज कैरोलस लिनियस सो ही हैज ऑल्सो गिवेन टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने इसको किंगडम कह दिया फाइंड का बेस क्या था इनका बेस था सेल वॉल वॉट लिनियस हैज सेड कि जिनके पास सेल वॉल है सो दे कम्स अंडर प्लांट और द किंगडम प्लांटे फाइंड एंड दोज हु आर नॉट हैविंग सेल वॉल दे विल कम किंगडम एनिमेलिया ओके सो नो सेल वॉल एंड सेल वॉल सो ही हैज गिवन
the two kingdom classification on the basis of cell wall. If cell wall is present, that means plantae. If cell wall is absent, animalia. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. फिर कौन आए आफ्टर दैट? दो किंगडम क्लासिफिकेशन. सोचो प्लांट, सारे प्लांट्स जिनके पास सेल वॉल है फाइन, एनिमेलिया जिनके पास सेल वॉल नहीं है फाइन. सो हम नीदर वी हैव नॉर इंसेक्ट फिश, किसी के पास भी सेल वॉल नहीं है. सो दे वी ऑल बिलोंग टू वन. नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. सो लेटर ऑन देयर इज वन मोर साइंटिस्ट नेम अर्नस्ट हैकल. अर्नस्ट हैकल हैज गिवन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. देखो यहां से टू था, फिर यहां टू था, नेक्स्ट आया अर्नस्ट हैकल. अर्नस्ट हैकल हैज गिवन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. अब देखो इन्होंने किसको क्लासिफाई किया. व्हाट ही सेड दैट प्लांट एनिमल, तो ठीक है बात समझ में आ गई कि देयर मस्ट बी अ प्लांट, ठीक है देयर मस्ट बी अ एनिमल, ये तो इन्हें भी पसंद आए. ही सेड देयर मस्ट बी वन मोर किंगडम. इन्हें लगा कि एक किंगडम और होना चाहिए और उसका नाम रखा गया, उस पी फॉर प्लांट है, याद कैसे करोगे, पी फॉर प्लांट. थर्ड किंगडम जो है वो भी पी से ही शुरू हुआ, प्रोटेस्टा. ओके अब ये कौन है प्रोटेस्टा? प्रोटेस्टा में क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं फाइन. अब इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर बैक्टीरियाज भी आ गए, ठीक. इन्होंने कहा भाई इसके अंदर बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है सब इसमें है, विच वी कांट सी. प्रोटोजोअन भी है, फंगस भी है, बैक्टीरिया भी, सब इसी में है फाइन. प्रोकैरियोट भी, यूकैरियोट भी, सब इसी में आते हैं. इन्होंने कहा कि दिस इज प्रोटेस्टा फाइन. ओके सो नाउ वी हैव थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. पीपी, पीपीए, पीपीए. पहले प्लांट किंगडम, प्लांट और एनिमेलिया था बच्चा, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. हैकल ने कहा नहीं भाई प्रोटेस्टा ऐड करो. क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड आईज. फंगाई का क्या होगा, बैक्टीरिया का क्या होगा, प्रोटोजोन, एल्गी, पैरामीशियम कहां जाएंगे? आर दे एनिमल्स? आर दे प्लांट्स? नहीं भाई, देयर मस्ट बी वन मोर क्लासिफिकेशन फॉर देम. सो नाउ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैज कम, ठीक. अच्छा इसके बाद में फिर लगा कि भाई प्रोटेस्टा में बैक्टीरियाज भी हैं और प्रोटोजोन्स भी हैं फाइन. प्रोटोजोन में यूकैरियोट्स भी हैं. सी प्रोटेस्टा में कहा कि प्रोटेस्टा में फंगाई भी रख दिया, बैक्टीरियाज भी रख दिया और यू प्रोटोजोन्स भी रख दिया. हाउ इट इज पॉसिबल? Then there one more scientist has come. I must write it here. ये कोप नहीं कर पा रहे थे, यू नो कोप अप, कि मतलब हाउ ओनली थ्री. ही सेड नहीं, एक क्लासिफिकेशन तो और होगा. किसका? इसमें जितने आपने रख दिए हैं वो सब एक कैटेगरी में तो नहीं आएंगे. सो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्लांटे इट इज ओके, एनिमेलिया मैं चला लूंगा फाइन. एनिमेलिया भी मैं चला लूंगा, प्लांटे भी मैं चला लूंगा, प्रोटेस्टा भी मैं चला लूंगा, ठीक है. बट जो बैक्टीरियाज है फाइन, जो बैक्टीरियाज है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको आप अलग रखिए. एंड ही हैज गिवेन वन मोर नेम मोनरा. सो जो मोनरा में आते हैं जनरली बैक्टीरियाज होते हैं फाइन, यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज. ओके प्रोटेस्टा में यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक, जैसे प्रोटोजोअन्स आ गए, स्लाइम मोल्ड इसका एग्जांपल है, ठीक है. इसमें यूकैरियोट्स आ गए, प्रोटोजोअन, अमीबा, पैरामीशियम, सब ये सब प्रोटेस्टा में. प्लांटी आपको पता है, एनिमेलिया ऑल्सो यू नो इट. सो नाउ वी हैव हाउ मेनी किंगडम क्लासिफिकेशन? फोर. कहां तक आए? कोपलैंड तक. वन टू थ्री फोर, ठीक. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया. कहां तक? कोपलैंड तक. आफ्टर कोपलैंड इन्होंने कहा कि इसमें आपकी फंगाई भी है. अब फंगस की बात तो किसी ने नहीं करी, फंगस की बात कैसे करें? फंगस हैज डिफरेंट फीचर्स. तो देयर इज वन मोर साइंटिस्ट, हिज नेम वाज फिरम, जिनका नाम हम आज तक याद करते हैं और इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आर एच वेटिकर, WHITTAKE. आर एच वेटिकर ने एक और किंगडम इसमें इंक्लूड कर दिया और जिसे अभी तक हम फॉलो करते हैं. ही हैज गिवन
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. और क्या ऐड हो गया, सी एनिमेलिया वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है, प्लांटे वैसा का वैसा ही रहा, ही वॉज एग्री, मोनरा वैसे के वैसे ही रहा है, प्रोटेस्टा वैसे के वैसे ही रहे, ठीक है. यहां मोनरा था, इसमें फंगाई इज इंक्लूडेड, फाइन. सो फर्स्ट वॉज मैन मोनरा, सेकेंड इज फंगाई, थर्ड इज प्रोटेस्टा, फोर्थ इज प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया. नाउ वी हैव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इट वॉज गिवेन बाय आर एच वेटिकर. रिमेम्बर दिस वर्ड, वेरी फेमस, वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट, ही हैज गिवेन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. वेटिकर नाम इनका, वेटिकर, ओके. ही हैज गिवेन मोनरा फर्स्ट, पांच ऐसे फिंगर्स पे याद कर सकते हो. प्लांटे एनिमेलिया तो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है. फिर आप बताओ प्लांटे एनिमेलिया के बाद में फंगस किस में रखोगे, तो फंगाई का अलग क्लासिफिकेशन कर देते, ठीक है. फिर बैक्टीरिया किस में रखोगे, तो मोनरा. मोनरा मतलब होता है प्रिमिटिव, सबसे पुराने. तो मोनरन्स आर वेरी ओल्ड, जैसे माताजी होती है ना, माताजी, मोनरन्स मतलब माताजी समझ लो, वेरी ओल्ड. सो मोनरन्स आर वेरी ओल्ड, ये भी आपको याद हो जाएगा. प्लांट एनिमल याद हो जाएगा, ठीक. फंगाई पता चल गया. बचा प्रोटेस्टा. प्रोटेस्टा में कौन आता है, कैसे याद करोगे, पैरामीशियम से. पैरामीशियम इसमें आएगा, यूग्लिना इसमें आएगा, स्लाइम मोल्ड इसमें आएगा, फाइन. सो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं. देखो ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, लेकिन यूकैरियोटिक ही होते हैं मगर यूनिसेलुलर होते हैं, फाइन. सो इन दिस वे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हैज कम, और ये हमारा अभी तक चल रहा है. दिस इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. अब यहां कहां धैर्य होगा, इसके बाद में अब कुछ तो करना था साइंटिस्ट को. अब इसके अलावा कोई किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं बन सकता, ठीक. एक देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट, कार्ल वूस. इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, इसमें कुछ तो मतलब आई मस्ट डू समथिंग एंड देयर मस्ट बी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन. भाई ऐसा कुछ करो कि ये जो बैक्टीरिया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. वूल्स को बैक्टीरिया समझ में नहीं आ रहे थे. मोनरन्स, मोनरन्स मीन जो माताजी, वो समझ में नहीं आ रही थी. वूल्स माताजी से जो है इनको समझ में नहीं आता. ही सेड, व्हाट ही सेड, कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो बहुत तरीके के होते हैं. मतलब देर आर सर्टन बैक्टीरियाज बच्चों दैट कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स, देर आर सर्टन बैक्टीरियाज दैट कैन सर्वाइव इन सॉल्टी लेक्स. जैसे डेड सी हो जाए, डेड सी जिसे हम कहते हैं, व्हाई इट इज नोन एज डेड सी, गूगल करना. डेड सी हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन लॉट्स ऑफ सॉल्ट, फाइन. उसमें भी कुछ बैक्टीरिया जिसमें लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते. ही हैज डिवाइडेड मोनरा इन टू पार्ट्स. जो मोनरा था बेटा, मोनरा किंगडम था, इट इज जॉइंट टू पार्ट. एक को कहा गया आर्के बैक्टीरिया, वन इज नोन एज आर्के, अदर इज नोन एज यू बैक्टीरिया, ओके. आर्की मीन्स होता है बहुत पुरानी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इससे याद कर सकते हो. तो उन्होंने कहा ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम में भी सर्वाइव कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग, एक्सेस कोल्ड, एक्सेस सॉल्ट, ठीक है. तो उन्होंने कहा ये होंगे आर्के बैक्टीरियाज, और यू बैक्टीरियाज मीन्स ट्रू बैक्टीरिया. ट्रू बैक्टीरिया मीन्स नॉर्मल बैक्टीरियाज जो हम इधर उधर देखते हैं, दैट इज कम्स इन द यू बैक्टीरिया, ठीक. दोनों में फर्क है बच्चा, अगर कोई बैक्टीरिया एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब देयर मस्ट बी समथिंग इन इट्स सेल वॉल. उसके पास, उसकी बॉडी में कुछ तो ऐसा है विच प्रोटेक्ट्स इट्स बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम एनवायरमेंट, जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया के पास नहीं है. नो व्हाट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, प्लीज राइट इन माई चैट बॉक्स, ठीक है. चलो आई होप इट इज क्लियर. एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. एरिस्टोटल, आफ्टर दैट कैरस लिनियस, ही हैज डिवाइडेड टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल गिवन बाय कैरस लिनियस, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ओके, कम टू द थर्ड. थर्ड, सो दे मस्ट बी वन कैटेगरी दैट ही गिवन दैट प्रोटेस्टा. सो नाउ वी हैव थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटेस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक. अब इसके बाद में इन्हें कहा कैन पड़ता, तो फिर कोप आ जाएगा, आ गए कोपलैंड. कोपलैंड ने कहा नहीं, प्रोटेस्टा में सब कैसे, फंगस भी उसी में, फंगस भी उसी में, बैक्टीरिया भी सब एक ही में. तो ही सेड नो, दे मस्ट बी वन मोर किंगडम ही हैज गिवन मोनरा, मोनरा स्पेशली फॉर बैक्टीरियाज.
सो एक बैक्टीरिया हो गया बच्चा मोनरा, फाइन, एक क्या हो गया मोनरा, नेक्स्ट प्रोटेस्टा, प्लांटे एंड एनिमलिया. नाउ टिल कोपलैंड वी हैव फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक, कम टू 19th सेंचुरी बच्चा, आर एच वेटिकर हैज गिवन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे हम अभी तक फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज मोनरा, माता जी हमेशा रहेंगी. दूसरा फंगा ही है ज्यादा. नेक्स्ट प्रोटेस्टा, नेक्स्ट प्लांटे, फिफ्थ इज एनिमेलिया. इसके बाद में कार्लवूस, कार्लवूस ने कहा लेट्स मोनरा, जो बैक्टीरिया है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते, तो ही ब्रॉडली कैटेगराइज बैक्टीरिया इज इन टू पार्ट, वन आर्की बैक्टीरिया, अदर इज यू बैक्टीरिया. और ये क्लासिफिकेशन इन्होंने 1977 में बेटा ही हैज गिवन दिस. ओके, ऑर्गेनिज्म चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स. देखो प्रो मींस होता है कैरियोट, मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस. जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है उसे कहते हैं प्रोकैरियोट. प्रॉपर न्यूक्लियस मतलब जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो डीएनए कहाँ होता है? डीएनए इसका ऐसे 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 साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है बस. ठीक, मगर हम अपनी अगर बात करें प्लांट सेल की बात करें तो वी हैव अ न्यूक्लियस, है ना, उसके बाद में वी हैव अ न्यूक्लियर वॉल, वी हैव अ न्यूक्लियोलस, फाइन, न्यूक्लियोप्लाज्म, और फिर हमारा डीएनए इसके अंदर होता है. यह सुनो, सो डीएनए इज एनक्लोज, डीएनए हमारा एनक्लोज होता है न्यूक्लियस के अंदर. बट इन दिस केस प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, पुराना. अब पुरानी कोई चीज होगी तो वो ऐसे ही पड़ी है, उसको पूरी भी स्ट्रक्चर मिला नहीं, अभी वो नया नया बन रहा है. ठीक है, तो पुराना है प्रोकैरियोट, ठीक, नया है यूकैरियोट, फाइन. अब प्रोकैरियोट्स को ही हमने कहा क्या, कहा किंगडम नंबर वन मोनरा. अब समझ में आया मोनरा क्या होते हैं, किंगडम नंबर वन, फर्स्ट किंगडम. दिस इज अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच वेटिकर. आर एच वेटिकर ने बेटा, जो आर एच वेटिकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, बस मैं उसको आपको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ. ठीक है, ऑर्गेनिज्म को ऐसे डिवाइड कर लो, प्रो कैरियोट, यू कैरियोट. कोई पूछे व्हाट इज प्रो कैरियोट, तो प्रो मी कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जिनके पास पुराना न्यूक्लियस है, मतलब दे डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, तो वो कौन होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं. ठीक, बट प्रिमिटिव तो बैक्टीरिया ही थे, धीरे 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 के एडवांस हुए तो हम बन गए, प्लांट्स बन गए, पहले सब बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे. ठीक, तो इसमें सबसे पहला किंगडम आता है मोनरा. सो मोनरास में कौन आएंगे, सारे बैक्टीरिया. ठीक है, चलो अब यूकैरियोट पे आते हैं. ठीक है, यूकैरियोट्स जो होते हैं, तो एक तो मल्टीसेलुलर, जैसे हम, जैसे प्लांट्स जो हमें दिख रहे हैं, एक ऐसे बेटा जो हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक, लेकिन वो है, उनके पास न्यूक्लियस पूरा है, फाइन, उनके पास न्यूक्लियस पूरा है, लेकिन वो दिखते नहीं, क्यों, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं. तो वो किस में आते हैं, वो आता है हमारा किंगडम नंबर टू प्रोटेस्टा. अब आया कि प्रोटेस्टा क्या था, प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, जनरली यूनिसेलुलर ही होते हैं, एंड दैट इज किंगडम नंबर टू. और ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स, फाइन, अमीबा, जैसे पैरामीशिया, जैसे स्लाइम मोल्ड्स. ठीक, अब नाउ कम टू मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर पे यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स मींस जैसे हम मल्टीसेलुलर भी हैं, और भी हमारे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है. ठीक, तो अब आते हैं आगे, तो वी आर मल्टीसेलुलर, तो हम इस कैटेगरी में, अब इस कैटेगरी में दो, एक या तो सेल वॉल है और एक या सेल वॉल नहीं है. अब जिसके पास सेल वॉल है वो कौन हुए, वो, अब जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो कौन हुए, हम, वी, एनिमल्स. यहाँ कौन आया, हम, वी, सेल वॉल. अगर सेल वॉल है तो क्या होगा, पहले दिमाग में आ गया होगा प्लांट होगा, है ना, क्योंकि प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है. लेकिन एक और होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, वो कौन होती है, वो होती है हमारी फंगस. हाँ, इसीलिए तो इसको अलग से रखा गया है. ये ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल तो है मगर ये प्रभु फोटोसिंथेसिस नहीं करते. फंगस के पास सेल वॉल तो है भाई, यूकैरियोट सारी चीजें लेके बैठे, यूकैरियोट्स भी है और सेल वॉल भी है, मगर काम नहीं करना चाहते, दूसरों को खा जाएंगे, दूसरे खा जाएंगे मतलब दे डिकम्पोज एंड टेक न्यूट्रिशन. ठीक, तो कौन होंगे, फंगस. तो ये हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, ये हमारा किंगडम हो गया थर्ड नंबर पे. क्या नाम हो गया, फंगस. सो किंगडम थर्ड, फंगस. किंगडम फोर, प्लांटे.
एंड किंगडम 5 एनीमेलिया. आई होप इट इज क्लियर. समझ में आ गई बात सबको? फाइन. सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन. ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स. प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स मोनरा. मोनरा सबसे पुराने थे और मोनरन को दो पार्ट में किसने डिवाइड किया था अभी मैंने बताया था. कौन थे वो? कार्ल वूज. वूज वूज ने कहा भाई बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया और आर के बैक्टीरिया. आर के बैक्टीरिया मीन्स होता है प्रिमिटिव. इसमें मेनली एक्सट्रीमोफाइल्स आते हैं. एक्सट्रीमोफाइल्स जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रहते हैं, जैसे मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस थर्मोफाइल हेलोफाइल. हेलो मीन्स सॉल्टी, थर्मो मीन्स थर्मोफाइल. व्हाट इज फाइल? फाइल मीन्स लविंग. इन दे लव एक्सट्रीम्स होता है ना, जिन्हें डर के आगे जीत वाले, ये डर के आगे जीत वाले हैं. ठीक है, सो दे लव एक्सट्रीम थिंग्स. ठीक है, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम सॉल्ट. तो भाई कार्ल वूस ने कहा भाई इनको तो अलग ही कर दो, ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं. ठीक. और यू बैक्टीरिया हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया. कैरियोट्स में यू कैरियोट्स जानते हो जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है जैसे हम. ठीक, तो हम मल्टी सेलुलर आ गए. कुछ यूनिसेलुलर भी है भाई जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है. वो कौन है? वो हो गए हमारी एल्गी पैरामेशियम. तो वो आ गए प्रोटेस्टा में, किंगडम नंबर 2. ठीक, मल्टी सेलुलर में या तो सेल वॉल होगी या सेल वॉल नहीं होगी. अगर सेल वॉल नहीं है तो हम एनिमेलिया. ठीक, सबसे आखिरी. और अगर सेल वॉल है तब भी दो, या तो ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं या ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे. फंगस देखो कितने डीट होती, सारी चीजें हैं मगर फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी. ठीक, तो ये किंगडम नंबर 3, किंगडम नंबर 4, किंगडम नंबर 5 गिवन बाय आर एच वेटिकर. आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा. फाइन. इन द नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट द फर्स्ट किंगडम मोनरा. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड यू हैव लर्न विद मी एंड यू हैव मेड नोट्स विद मी. कीप ऑन मेकिंग नोट्स विद मी. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किंगडम नंबर 1, किंगडम मोनरा. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच.